ओके, तो वेरी गुड मॉर्निंग है। और ये अपना होटल था, होटल धनराज, और जहाँ पे हमने खर्च किए 1200 रुपये खाना प्लस लॉजिंग, और मैप कर लिया सेट और सामने हो गया है सनराइज़। और अब हम निकल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। फ्यूल मुझे लेना पड़ेगा, टायर में हवा चेक करवा लेंगे अगर जहाँ भी फ्यूल लेंगे। अभी फ्यूल मेरे ख्याल से चल जाएगा 100 किलोमीटर तक, तब तक शायद कोई पेट्रोल पम्प मिल भी जाएगा। घड़ी को मैंने सेट कर लिया, टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस, और हमारा कार वहाँ निकल चुका है यहाँ से जगन्नाथपुरी के लिए। तो हेलो है, गुड मॉर्निंग है सभी को, जय महाकाल है। और अब हम इस मैप को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, शायद ही मुझे अंदर से ले आने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। चलो मैं इसको ज़रा सब कुछ सेट वेट करके आपको मिलता हूँ हाईवे पर। अभी हो रहे हैं 8:20, खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत पहाड़ मुझे दिख रहे हैं। वाह, क्या। और मुझे लगता है कि मैंने शायद एंट्री ले ली है उड़ीसा में। यस, पहली बार आ रहा हूँ मैं, मतलब उड़ीसा वैसे तो काफ़ी सारे स्टेट्स में कवर कर लेता हूँ बीच बीच में इधर से उधर, बट उड़ीसा एकदम सेक्लूडेड टाइप का है अपने लिए। और अपन पहली बार, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उड़ीसा स्टेट के अंदर, और बहुत ही एकदम अलग से मतलब फीलिंग आ जाएगी आपको कि हाँ स्टेट चेंज हो गया। सीजी के बाद उड़ीसा हो, या मतलब कभी भी आप स्टेट चेंज करोगे ना, आपको समझ में आएगा लोगों के बोलचाल से और खाने पीने के ढाबों से, और जो मकान जैसे अब घर वगैरह जो होते हैं वो, या मंदिर वगैरह ख़ास तौर से आपको एक अलग देखने को मिलेगा आर्किटेक्चर वगैरह। तो ये डिफरेंस है, भारत तो भारत है, ये भारत विभिन्न विभिन्न कहना चाहिए अलग अलग लोक संस्कृतियों का देश है। तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी सोहेला है, वहाँ मुझे पहुँच के सोहेला से टर्न लेना है, क्योंकि अब मैं संबलपुर नहीं जा रहा हूँ, और संबलपुर से भुवनेश्वर फिर जाएंगे, फिर लौट के आएंगे, तो 500 बता रहा था गूगल के 482 कुछ पड़ेगा, और अगर मैं यहाँ से आऊँगा तो मुझे 462 पड़ेगा। प्लस मैंने शायद सुना है कि ये रूट भी अच्छा है, तो अभी सोहेला जाएंगे और सोहेला से अपन लेंगे टर्न। तो ठीक है, बाकी आपको अपडेट मैं करता रहूँगा। खाने पीने का ब्रेक अभी हुआ नहीं है, अभी जब ब्रेक लूँगा तो फिर आपसे और बात करूँगा। और ये है सोहेला, सोहेला से हमने लिया है एक टर्न राइट की तरफ जो कि गूगल ने बताया, और इसी टर्न को फॉलो करते हुए हम जा रहे हैं। वैसे ये शायद NH 126 बता रहा है इसमें, बट ठीक है, जो भी है जैसा भी है। फ़िलहाल तो ये मेरे को लगता है विलेज रोड है, और सिंगल लेन या डबल लेन सॉर्ट ऑफ है ये। तो अभी यहाँ से अपना डेस्टिनेशन है 390 किलोमीटर। ओके, बस स्पीड ब्रेकर्स हैं, रोड इज़ ठीक ठीक, बाकी तो वेदर इज़ ओके ओके 33। अभी सुबह तो बहुत ठंड थी यार, लेकिन अभी जो है सही हो गया है। और उड़ीसा में हमारी एंट्री हो गई है, सोहेला जो है वो उड़ीसा में ही आता है। अभी अपन को आगे एक हवा चेकअप करवाना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है ये रोड जो है उतना हैपनिंग नहीं है, तो पेट्रोल पंप पे ट्राई करते हैं। रोड वैसे बहुत मुश्किल है, इसमें दिख नहीं रहा मुझे कुछ, बंदी है। चलो फिर आगे मिलता हूँ मैं आपसे। और 12 बज रहे हैं घड़ी में, दिमाग में हमारे भी बज गए हैं 12। भूख लग रही है बहुत ज़ोर से, बीच में एक चाय का ब्रेक लिया छोटा सा, बहुत छोटा सा चाय ब्रेक कर लिया था, और अभी मैं पहुँचा हूँ सोनपुर। सोनपुर से अब मैं मुड़ गया हूँ बौद्ध की तरफ, यहाँ से बौद्ध फिर 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर्स पे छोटे छोटे शहर मिल जाते हैं तो अच्छा लगता है। ट्रैफिक पर रुकना पड़ेगा हमें, अपडेट फ़िलहाल इतना ही है। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ खाना पीना कर लिया जाए फाइनली, सुबह से बोल रहा हूँ लेकिन खाया कुछ भी नहीं अभी तक। क्या शानदार झांकी का पंडाल लगा हुआ है, वाह मज़ा आ गया देख के। चलो मिलता हूँ, ये ट्रैफिक क्लियर हो फिर मिलता हूँ मैं आपसे आगे।
पिछले साल से जो पंचर का सिलसिला चालू हुआ है मेरी गाड़ी में, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह से मैं परेशान था, एक पंचर कल रात से। एक्चुअली ये बहुत पुराना पंचर है, मतलब जबलपुर में मुझे ठीक करवा लेना चाहिए था, लेकिन मेरे आलस ने इसको बढ़ाता गया और मैं उसको यहाँ पर लेके आ गया फाइनली। तो अभी सोनपुर के आगे बैठा हुआ हूँ और पंचर ठीक करवा रहा हूँ। बहुत बारीक का पंचर है, 40 पे हवा भरवाओ, 100 किलोमीटर गाड़ी चलाओ 30 पे आती थी, पर मैं कैसे भी खींच रहा था, कोई खोलने को तैयार नहीं था। मैं भी टेंशन नहीं ले रहा था, मैंने कहा चलो जान दो अभी जब तक आ रही है। फिर अभी मेरे को एक जगह बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट मिला, तो मैं सोचा क्यों ना खाना खा लूँ। फिर मैंने कहा नहीं यार, बगल में भैया थे, उनसे मैंने बोला भैया पहिया खोल दो यार, और कोई पंचर वाला है तो उसको बुलवा लो। तो अभी भैया बैठे हुए हैं, अपना गाड़ी का पंचर ठीक कर रहे हैं और गाड़ी अपनी दूर खड़ी हुई है वहाँ पर। तो अभी ये पहली बार होगा कि मैं पंचर को प्रॉपरली व्लॉग में ले रहा हूँ। फाइनली सुबह से चलने के बाद अब जाके मैं प्रॉपर खाना खा रहा हूँ। मेरी फेवरेट दाल फ्राई और मेरी रोटियाँ, सबसे बेस्ट यही है। बहुत बढ़िया होटल था, अच्छा खाना मिला। खाना खाने के बाद होटल से बाहर निकल गए हैं, होटल तृप्ति। ये हाईवे और इसके जस्ट समझ लो इस दुकान के बाद एक गैरेज था जिसने मेरी गाड़ी जो पंचर थी उसको खोल के सही बना दिया है। गाड़ी जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई है और सब कुछ सही सलामत है। अब अपना सफ़र यहाँ से चालू होगा, तो अब जो है यहाँ से अपन लंबा रास्ता चलेंगे। चलिए मिलता हूँ फिर मैं आपसे रोड पर। और भाई साहब ये जो नज़ारे हैं ना, ये पेड़ों वाले जो नज़ारे हैं, इसको देखकर मुझे अमरकंटक की याद आ गई। डिंडौरी के पास और अमरकंटक के बीच में जो रास्ता है वो भी ऐसी पेड़ों से ढका हुआ है, सेम टू सेम। और मुझे ये देखकर एकदम अमरकंटक का जो नॉस्टैल्जिया वाला फीलिंग है वो आ गया। लेकिन क्विक अपडेट ये है कि अभी तो सिर्फ 1:30 बजे हैं, अभी खाना खा के जस्ट निकले हम लोग रोड पर। एक बहुत मुझे लगता है शायद कभी कभी आपको मना करने का हौसला होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए कि आप बस मना कर दो। कई बार आप सोचते हो लोगों का भला करने के लिए, अच्छा करने के लिए, लेकिन कई बार हो सकता है कि आप भलाई करने जाओ लेकिन सामने वाले के मन में क्या है वो आप नहीं समझ सकते। क्यों मैं ये सब बातें कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। अभी क्या हुआ मेरे साथ, जिससे मैंने गाड़ी ठीक कराई, तो एक बंदा था जिसने गाड़ी खोली, फिर वो लेके गए हम लोग दूसरी जगह पर, वहाँ पर उस बंदे ने गाड़ी को टाइट किया। अब गाड़ी यहाँ खड़ी है, दिमाग में टेंशन था कि पता नहीं गाड़ी पर कुछ हो या ना हो ऐसा, हालाँकि सब सामान पैक था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बट स्टिल। उसके बाद जो है मैं जब ट्यूब लेके वापस आया, अपना टायर लेके यहाँ पर वापस लौटा, तो भाई जिसने टायर खोला था उसने टायर बंद किया, मुझसे बोलता है कि भैया एक ट्रायल दे सकते हो क्या मेरे को। मैंने बोला यार ट्रायल नहीं दूंगा यार भाई, मेरे को जाना है। बोलते नहीं भैया एक, भैया प्लीज़, बहुत ज़्यादा मतलब मुझसे बोलना था। तो फिर मैंने उसको चाबी दे दी, वो गाड़ी पर चढ़ रहा था, बार बार गाड़ी क्या है उसको चढ़ने नहीं दे रही, ऐसा लग रहा था कि चढ़ने नहीं दे रही है, वो चढ़ ही नहीं पा रहा था उसके ऊपर। 2 मिनट हो गया 3 मिनट हो गया, फिर मेरा दिमाग घूमा, मैंने कहा नहीं नहीं भाई, अगर ये गाड़ी लेके चला गया तो मैं क्या करूँगा, दुकान है लेकिन मैं कहाँ ढूँढूँगा, मेरा तो पूरा सब बर्बाद हो जाएगा, किसको ढूँढूँ क्या नहीं पता, नहीं दुकान उसकी भी है कि नहीं है। तो अपने दिमाग में ये था और मेरे दिमाग में ये सब चीज़ आई, तो मैंने उसको बोला, मैंने भाई उतर जा, मैं नहीं चाहता कि तू गाड़ी चलाए। बोला क्यों भैया, मैंने कहा मैं अपनी गाड़ी देता नहीं किसी को, क्योंकि मैं राइड पर हूँ और मेरी गाड़ी अगर सब नहीं करी तो बहुत दिक्कत होती है, मतलब ऐसा मैंने बोला उसको। फिर वो भाई, मैंने उसको फोर्स की, मैं चाबी निकाल ली गाड़ी से, वो उतरा गाड़ी से और मैंने गाड़ी उठाई, होटल के अंदर लगाई और खाना खाया। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी से हमें सबक मिला कि आपको ना बोलना है, चाहे गाड़ी आपकी है, सब कुछ आपका है, उसको बुरा लग जाए, कुछ भी हो जाए, आपको ना बोलना है, क्योंकि वो अननोन था। कोई नोन होता समझ में आता, लेकिन अननोन व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और फिर इतनी हैवी गाड़ी है, गिर जाएगी तो तुम क्या जिम्मेदारी लोगे क्या उस चीज़ की, 1% चांस है कि वो लेके चला गया तो क्या करोगे। इसीलिए मैंने इसको यहीं पर रोक दिया, जो कि मुझे लगा कि बाद में शायद मैंने बहुत सही किया, क्योंकि उसके बाद उसकी दुकान भी बंद हो गई। चलो अब आगे मेरे को लगता है कि 1.5-2 घंटे बाद मैं फिर रुकूंगा पानी ब्रेक के लिए, तब तक नज़ारों का मज़ा लो आप तो पूरा। छोटा सा पानी ब्रेक लिया, फ्यूल ब्रेक लिया, साथ में चाय ब्रेक लिया, और अभी बजे हैं 3:30, करेक्ट 1.5 घंटे बाद ले लिया मैंने।
और ये जो जगह है आई थिंक ये मुझे लग रहा है कौन सी जगह है, चारची करके कोई जगह है, बीच में एक फॉरेस्ट रेंज आया था, दैट वॉज दासपुला फॉरेस्ट रेंज। क्या खूबसूरत फॉरेस्ट है यार, मतलब अमेजिंग फॉरेस्ट, एकदम घना जंगल, बीच में से रोड, क्रूजिंग एट 60-70 स्पीड, मज़ा आ गया, वाह, जस्ट वाह फीलिंग, मतलब अल्टीमेट है यार, अल्टीमेट। पहाड़ में अगर ग्रीनरी हो जाए और रोड में थोड़ा कर्व आ जाए चौड़ी रोड के साथ, मज़ा आ जाता है, ट्रैफिक नहीं था बिल्कुल भी, बहुत मज़ा आया राइड करने में। और ये जो जगह है इसका नाम है नयागढ़ पुलिस, यहाँ पे लिखा हुआ है अंकल दौड़ते हुए, ओ हो अश्लील आदमी। चलो अभी तो मज़ा आ रहा है फिलहाल, यहाँ से घोरडा मुझे जाना है, क्योंकि घोरडा से एक रूट जाएगा भुवनेश्वर, एक जाएगा पुरी के लिए, तो घोरडा पड़ेगा ऑलमोस्ट यहाँ से अभी शायद 130 किलोमीटर कुछ बचा होगा मेरे ख्याल से, एक से डेढ़ घंटा दो घंटा लगना चाहिए, और 70-80 की स्पीड अच्छे से मेंटेन हो रही है, रोड टू लेन है लेकिन अच्छा बना हुआ है, फिर भी कहीं कहीं पर थोड़े बहुत गड्ढे हैं इस तरीके के, बाकी चलता है। तो ऑल सेट फॉर द नेक्स्ट मूड, अब अगला ब्रेक लेंगे 5:15-6 बजे के आसपास, फिर वन शॉट में पूरी मारेंगे अगर पॉसिबल है तो। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, ये गाना मुझे अभी याद आ रहा है क्योंकि शाम हो चुकी है और अभी बज रहे हैं 5:30। खोरदा पहुंचने वाला हूं, एक ने बताया है कि खोरदा से पुरी लगभग 40 किलोमीटर है और अभी टाइम 5:22 हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूं कि ब्रेक ले लूं या नहीं लूं, क्योंकि मैंने जो लास्ट ब्रेक लिया था वो लिया था मैंने 3:30 बजे के आसपास, और 2 घंटे हो चुके हैं, किलोमीटर तो मुझे खुद ही नहीं पता कि कितने कवर कर रहे हैं वहाँ से, बट हो गया होगा मेरे ख्याल से 100 से ऊपर किलोमीटर चला चुका हूँ मैं। बीच में एक फ्यूल ब्रेक मैंने लिया था, बट फ्यूल ब्रेक और वो सब चाय पानी तो हो गया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब क्या किया जाए, खोरदा में रुका जाए या फिर सीधे पुरी पहुँच के ही सब देखा जाए, चलो देखते हैं, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेट्स रीच खोरदा, क्योंकि खोरदा पहुंचने में अभी शायद 10 से 15 मिनट लगेंगे, और यहाँ पे ये बहुत सारी मछलियाँ रखी हुई हैं भाई, जो लोग मछली के शौकीन हैं आओ यहाँ पे भाई, ऐसे निकलते हैं ना ऐसी स्मेल आती है बाप रे, ऐसे दिमाग से चढ़ गया था बीच में तो, बहुत जो शौकीन होगा उसको मज़ा आएगा, लेकिन जो शौकीन नहीं है ना खाने का उसके लिए तो ये सिर दर्द है। चलो मिलता हूँ मैं आपसे आगे। तो भाई घोरदा पहुँचे अपन करीबन 5:30 बजे के आसपास पहुँचे है, और वहाँ पर एक आदमी मिला, उसने बोला कि तुम सीधे जाओगे जंगल का रास्ता है, पूछते हुए जाना पड़ेगा, शॉर्ट रास्ता है लेकिन जंगल का रास्ता है, और दूसरा रास्ता था कि आपको भुवनेश्वर जाओ, वहाँ से यू टर्न मारो और फिर आप पुरी जाओ, तो भुवनेश्वर लगता है 1/2 घंटा, वहाँ से मतलब पुरी लगते 1 घंटा, मतलब लगभग 1.5 घंटा अपना वहाँ पे लगता है। इसने बोला कि इसमें भी तुमको 1 घंटा लगेगा, लेकिन भुवनेश्वर में ये लफड़ा होगा कि वहाँ पर दशहरा है तो भीड़ हो सकती है, तो मैंने कहा हम जंगल का सुनसान रास्ता बिना भीड़ वाला चुनना पसंद करेंगे, बजाय उसके कि हम भीड़ वाले रास्ते में फंस जाएं। तो भाई ये रास्ता स्टार्टिंग में बहुत रोमांचक था, अभी तो छोटे मोटे गांव मिलते रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, शाम के अभी 6 बज रहे हैं लेकिन अंधेरा ऐसा लग रहा है जैसे रात के 11 बज रहे हो, मतलब बहुत कम गाड़ियाँ आती है जाती हुई दिखाई दे रही हैं, पीछे मेरी गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन अब ठीक है, अब जब चुन लिया है रास्ता एडवेंचर का तो एडवेंचर तो करके ही मानेगा भाई। चलो फिर बीच में एक रेलवे फाटक पड़ा, मुश्किल 5 मिनट मुझे वेट करना पड़ा, और अब बस चले आ रहे हैं ऐसी रोड पर, और आगे से गाड़ी आ रही है, व्लॉगिंग बंद। ओ भाई 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 भाई, भाई कहाँ ला रहा था भाई। और खोरदा से हम सीधे निकले हैं 4 लेन पर, ये 4 लेन पुरी और भुवनेश्वर को जोड़ता है, और यहाँ से पुरी अब बचा है केवल 23 किलोमीटर्स, और 6:47 हो रहा है, मतलब मैं 6 बजे घुसा था
तो ऑलमोस्ट रात थी, थोड़ा बीच में रुके और ये सब हुआ, तो 50 मिनट लग गया मेरे को आने में। हाँ तो वर्थ है वैसे, क्योंकि काफ़ी टाइम आपका बच गया, क्योंकि 50 मिनट मतलब एक घंटा लगा, सिर्फ एक घंटा लगा। मतलब वैसे लगते कितने घंटे, वो बोला 3 घंटे लगते वहाँ से अगर अपन भुवनेश्वर जाते तो। हालांकि अपने को नहीं लगते, क्योंकि अपन तो समझ रहे हो ना क्या करते हैं अपन, इसीलिए। तो बाकी सब ठीक है, बढ़िया। यहाँ से बस 23 किलोमीटर्स और उसके बाद शायद 7:30 बजे तक मैं पूरी एंटर कर जाऊँगा। देखते हैं वहाँ पर क्या माहौल है अष्टमी नवमी का और दशहरे का। रात के 11 बज रहे हैं, मैं होटल में आके बैठा हुआ हूँ, आराम से नहाना धोना सब हो गया, खाना भी खा लिया है। और मैं जिस होटल को बुक किया था वो होटल उस लोकेशन पे था ही नहीं, जबकि ये मैंने booking.com से किया था। फिर मैंने एक और सेकंड होटल बुक किया था, फिर मेरी जाने की हिम्मत नहीं हुई, मैंने कहा रहन दो। जो होटल था आई थिंक ये होटल है सी बीच सन बीच कुछ तो नाम है, मतलब ऐसे ही, वो तो फिर मैं दिखाई दूंगा। बट अच्छा होटल है, प्रॉपर्टी अच्छी है और खाना भी अच्छा है इसका। तो मैं यहाँ पर रुक गया हूँ और मैंने 2 नाइट स्टे का यहाँ पर फैसला किया है, मतलब आज की रात और कल की रात, क्योंकि परसों हम दोबारा चलना स्टार्ट होंगे अपने घर की तरफ। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ रुके हुए हैं और कल जो है बहुत अमेजिंग डे होने वाला है। कल का डे तो कल हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मज़ा आ रहा है यहाँ बैठ के आराम से इन्जॉय करने का और रिलैक्स करने का। कल सुबह से अपन अपना प्रोग्राम चालू करेंगे आराम से, कोई टेंशन वाली नहीं। कोई क्या है ना, मुझे एक तो नई जगह पर नींद नहीं आती है, प्रॉब्लम यह है मेरे साथ। तो मेरे को जल्दी सुबह अपने आप ही नींद खुल जाएगी, और जब नींद खुल जाएगी तो फिर सारे काम होते चले जाएंगे। तो बस मिलते हैं आपसे कल सुबह। गुड नाइट, शुभ खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।